हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस गाइड। सो आईपीएस क्लर्क प्री के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पजल्स हैं, ठीक है, और मज़ा आने वाला है आपको सॉल्व करने में सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से इसको ट्राई करिए करने की। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। बॉक्स बेस्ड पहला क्वेश्चन है, विद मैं क्वेश्चंस के साथ आया हूँ। तो पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मिनिमम आपको टाइम लगना चाहिए, इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा बस इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, 8 बॉक्सेस हैं जो कि प्लेस हुए हैं वन अबव अनदर, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन यू एंड एक्स। कह रहा है कि यू और एक्स के बीच में मेरे 2 बॉक्स हैं, इसने ये मुझसे कहा, ठीक है। ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशन, बिल्कुल, क्योंकि बताया नहीं गया कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। बॉक्स जी इज प्लेस इमीडिएटली अबव वी, तो मैंने कहा कि वी के इमीडिएटली अबव बॉक्स जी को लिख दिया। उसके कह रहा है कि जी से ही कनेक्टिंग पॉइंट है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड जेड। तो यहां से 2 बातें निकल के आएंगी, जी और जेड, तो समझो देखो जी और वी, जी और जेड के बीच में 3 बॉक्स, तो जी है 1, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स, ये जेड। या फिर कुछ ऐसा हो सकता था कि जी वी 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स और फिर जेड, ऐसा भी तो हो सकता था। तो यहां तक हमने इतनी पॉसिबिलिटी ले ली। आगे क्या कहता है कि ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन यू एंड एफ, तो यू एंड एफ के बीच में केवल 1 बॉक्स, मतलब ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशन। नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एफ एंड वाई, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एफ एक का गैप, वाई या तो ऐसे होगा या फिर एफ और वाई एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे। ये 2 केस बनेंगे इस लाइन से, ठीक है ना, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। कह रहा कि बॉक्स एच इज प्लेस बिलो वाई, वाई के कहीं ना कहीं नीचे तो बॉक्स एच होगा। बॉक्स जेड इज नाइदर ऑन द टॉप, ये पढ़ते ही मैंने कहा मतलब 1 बॉक्स यहां कहीं ना कहीं होगा। नॉर अबव वाई, मतलब वाई के ऊपर कहीं भी जेड नहीं होना चाहिए, इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉक्स एस एक्स इज नॉट प्लेस एट द बॉटम, मतलब एक्स जो है आपका बॉटम में नहीं आना चाहिए, बस। अब सुन, जो पहले तो हम देखते हैं यहां मैंने कितने बॉक्स अरेंज कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं मेरे पास, 8 बॉक्स होते, 7 मैंने कर दिए। तो हम क्यों ना इस केस से स्टार्ट करते हैं, फिर इस केस में आएंगे, देखा जाएगा। तो इस केस में देखो 1 बॉक्स या तो ऊपर जा सकता है या फिर 1 बॉक्स ये रहा, ये एज इट इज उतारा मैंने, सेम ये जी वी और 1 बॉक्स ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे भी 8, यहां पे भी 8, 8 बॉक्स हो गए। अब हमें सारे पॉइंट्स को फिक्स करते रहना है, हर एक एक पॉइंट को फिक्स करना होगा और इस तरीके से कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है। तो मुझे अब यहीं लेके चलना है, अब देखते रहो, समझते जाना। अब यहां पे मैंने कहा कि ठीक है, मुझसे सबसे ज्यादा कनेक्टिंग क्या मिल रहा है कि यू और एक्स दिख रहा है कि 2 का गैप आ जाएगा, और यू और एफ, फिर एफ और वाई, और एफ और वाई ये आ जाएगा, और वाई और एच। कुछ हम ये कर सकते हैं, कुछ हम इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यू को कहां रखते हैं, देखो अगर मैंने यू को यहां रखा, ठीक है, समझते रहना प्लीज, तो 2 का गैप देके एक्स को, 1 2 का गैप देके एक्स यहां आ जाएगा। अच्छा, यू और एफ के बीच में 1 का गैप, 1 का गैप देके एफ बिल्कुल यहां आ जाएगा, लेकिन लेकिन एफ 1 का गैप वाई या फिर एफ वाई होना था, तो तुरंत वाई तो एडजेसेंट में नहीं जा सकता। 1 का गैप देके वाई यहां लिखोगे, वाई के ऊपर ही जेड आ रहा है, और मैंने कहा था वाई के ऊपर जेड नहीं जाएगा। अरे तो भाई यहां मत लिखो, यू यहां से रूल्ड आउट है, यू यहां सोचेंगे तो 2 का गैप देके एक्स, 1 2 का गैप देके एक्स, तो रूल्ड आउट हो चुका है यू यहां से भी। यू यहां सोचेंगे 2 का गैप देके एक्स, बिल्कुल एक्स यहां आ जा रहा है, एक्स यहां आ जा रहा है, लेकिन यू 1 का गैप देके एफ, 1 का गैप देके एफ नहीं आ सकता, 1 का गैप देके एफ नहीं आएगा। तो मतलब कि यू मेरा इधर भी नहीं आएगा, यू मेरा इधर भी नहीं आएगा, यू मेरा इधर भी नहीं आएगा। अब हम यू को यहां देखेंगे, अच्छा हम यू को यहां देखेंगे तो देखो क्या होता है, 1 2 का गैप देके एक्स लिख पाओगे, नहीं 1 2 का गैप देके एक्स लिख पाओगे, लेकिन बताया बॉक्स एक्स इज नॉट प्लेस एट द बॉटम, तो भाई मेरे को यू यहां पे भी नहीं लिख सकते। अब हमारा फाइनल ये बचता है कि हम यू को यहां लिख दे, 1 2 का गैप देके हमने एक्स को यहां लिख सकते हैं, लेकिन 1 का गैप देके एफ को लिखना था, यू 1 का गैप एफ, वो भी हम नहीं कर सकते। मेरा केस ये वाला रिजेक्ट है, अभी मेरे पास ये वाला केस आया। अब ये वाले केस में भी हम एक बार इसी पॉइंट को धीरे धीरे तुरंत तुरंत चेक करेंगे। देखो भाई ये करना पड़ेगा, ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कनेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब मैंने यू को यहां रखा, यू को यहां रखा, 2 का गैप देके एक्स को यहां रखा, 1 का गैप देके एफ लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, तो यू मेरा इधर नहीं आएगा।
तो यू मेरा धनिया, यू को मैंने यहाँ रखा, दो का गैप देके एक्स रखा, ठीक है, एक का गैप देके एफ रखा, ठीक है चलेगा। अच्छा एफ एक का गैप वाई आ सकता था, या एक का गैप वाई, तो मतलब वाई इधर आएगा लेकिन वाई के ऊपर फिर जेड चला जाएगा, मतलब मैंने को यू यहां पे भी नहीं फिक्स कर पा रहा हूं। मैं यू को यहां रखने की कोशिश करूंगा, एक दो का गैप देके एक्स को रखूंगा, एक का गैप देके एफ को रखूंगा, फिर एफ के बाद एफ और वाई होता, या फिर एफ एक का गैप वाई होता, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम यहां नहीं लिख पाएंगे, एक दो का गैप देके एक्स नहीं लिख पाएंगे, तो मतलब मेरा यू यहां पे भी नहीं फिक्स हो पाएगा। यू मेरा यहां रखेंगे, एक दो का गैप देके हमने एक्स को मान लो रख दिया, एक दो का गैप देखिए एक्स तो आएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा। यू एक का गैप देखिए एफ नहीं लिख सकते, एक का गैप देखिए एफ नहीं लिख सकते, मतलब यू एक का गैप एफ भी, तो फाइनल क्या पोजीशन बची यू के लिए, अब मुझे एक ही बॉक्स दिख रहा है यू के लिए, और इसी को हम डन करेंगे। इसके बाद हम इस केस पे स्विच करेंगे, यू एक दो का गैप देखिए एक्स नहीं लिख पाएंगे, एक दो करके एक्स, तो कहीं पे भी हम नहीं, अब छोड़ दो, अब ये आ जाओ इस पे, अब इस पे आ जाओ। अच्छा अब हमें समझना है कि एक दो तीन चार पांच बॉक्स हो चुके, मुझे तीन बॉक्स को अरेंज और करना है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं हमको ये देखना है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने यू से स्टार्ट किया था ना, कि मैं यू को उठा रहा था हर केसेस में वो वाले, इसमें भी हम यू से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको यू से काफी पॉइंट कनेक्टिंग है। देखो सबसे पहले देखो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देखते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने यू को इधर लिखा, तो यू दो का गैप देखिए एक्स, दो का गैप देखिए एक्स तो लिख नहीं पाते, एक का गैप दो और एक्स यही लिखते, उसके बाद यू एक का गैप देके एफ लिखते, एक का गैप देके एफ तो लिख नहीं पाते, एक का गैप देके एफ हम यहां लिख पाते, लेकिन एफ या तो वाई इमीडिएट में होता, या एक का गैप देके वाई होता, इमीडिएट में तो वाई यहां नहीं आ सकता वाई, और एक का गैप देके ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे तो आ सकता था ना वाई, फिर जैसे ही मैंने यहां वाई लिखा वाई के ऊपर ही जेड आ रहा है, तो इस वाली पॉइंट को कॉन्फ्लिक्टिंग मिल रही है, तो ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है, ये चीज कंफर्म होगी कि यू को मैं यहां नहीं लिख सकता हूं। अगर मैं यू को यहां लिखा होता तो देखो क्या बात बनती, तो फिर से मेरे को एक चीज मिलती, एक का गैप देके एफ नहीं लिख पाते, एक का गैप देके एफ नहीं मिल पाते, यही वाली पॉइंट मिलता ना, ये वाला पॉइंट हम नहीं कर पाते भाई, एक का गैप देके एफ, या तो एक का गैप देके एफ नहीं लिख पाते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज को समझो, यू को हमने इन दोनों जगह रख के देख लिया, अब या तो यू ऊपर जाएगा या तो यू नीचे ही आएगा। अब लेकिन एक चीज ये समझना कि अगर मान लो मैंने कहीं नीचे एक का गैप देके मैंने यू को लिखा, तो एक दो तीन चार पांच छह सात लोग हो चुके हैं, यू ए हो गया आपका, एक का गैप देखिए एफ नहीं लिख पाते, एक का गैप देखिए जैसे मैंने एफ लिखूंगा नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड कर जाएंगे, या फिर अगर तुम कह रहे हो कि सर हम यू को यहां लिख के देख लेते, अगर हमने यू को यहां लिखा होता तो देखो क्या होता, दो का गैप देखिए एक्स लिख लेते, चलो ठीक है हमने लिख दिया एक्स यहां लिख दिया यू का, ठीक है, फिर एक का गैप देखिए एफ भी चलो मैंने यहां लिख दिया, तो वाई नहीं लिख पाते ना वाई, एक का गैप देखिए वाई नहीं लिख पाते, एक का गैप देखिए वाई नहीं लिख पाते, क्योंकि एफ और वाई के लिए तो यही दोनों मेरे पास केस है, तो हम वाई को नहीं लिख पाते। दूसरी चीज चलो आपको एक और चीज दिखा दे, कि अगर यू ये रखा आपने, फिर आप कहते हैं सर दो का गैप देता मैं और एक्स को यहां लिखा, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड कर रहे हैं मेरे पास, अगर हम एक का गैप दे के यू ऊपर भी कहीं लिखना चाहे तो भी नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड करेंगे। एक मात्र एक रास्ता मुझे मिल रहा है कि यू को आप तुरंत यहां लिखो, एक यहां पर लिखो। अब देखो दो का गैप देखिए एक्स यहां पे भी आ सकता था, दो का गैप देखिए ऊपर भी जा सकता था, बट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दो लोग होते, अगर हम दो का गैप देके हम ऊपर एक्स लिखेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड कर जाएंगे, तो एक दो का गैप देखिए मुझे यहां पे एक्स लिखना पड़ेगा, अब एक का गैप देके मुझे एफ को लिखना पड़ेगा, बस दैट्स इट, मेरे अरेंज हो चुके हैं 8 पर्सन। लेकिन एफ और वाई के बीच में मैंने क्या कहा था, या तो इमीडिएट होगा या एक का गैप, तो ये मैंने इमीडिएट में कर दिया है। अब मुझे ये दिख रहा है कि वाई के नीचे जेड आ रहा है, ना तो वाई के ऊपर जेड नहीं आ रहा, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यू और एक्स वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है। अब एक बच रहा है, अब आपका कौन है, वो एच है, एच नहीं आ रहा था तो एच यू मेरा ये रहा, तो ये मेरा राइट अरेंजमेंट ये रहेगा, समझ में आ गया। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप, तो भैया एफ दिख रहा है ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस इमिडिएटली अबव एच, एच के इमिडिएटली अबव एक्स आ रहा है ये रहा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड वाई, बॉक्स जी ये रहा और ये रहा वाई, तो इनके बीच में एक बॉक्स है तो वन बॉक्स आ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो वी, वी के नीचे वी भी है क्या कोई वी, हाँ वी ये रहा ना, वी के नीचे तो एक दो तीन बॉक्सेस हैं, सॉरी तीन बॉक्स हैं, तो हाउ मेनी बॉक्सेस, थ्री बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली बिलो वाई, वाई के इमीडिएटली बिलो कौन है, यू है, यू आ रहा है आपका बॉक्स, तो ऑप्शन नंबर ये रहा।
तो मात्र 2 से 3 मिनट में आप इसको कर लेंगे। समझना ये था कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो हमको एक्सीड नहीं करने चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, चलो। और बाकी सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए कि कैसे क्या बोला है। वाई के नीचे एच है ना, देखो वाई यहां रखा तो एच यहां आ रहा है, देख रहे हो। ये सब भी पॉइंट्स हमको नोट करने थे कि कहीं ये कंडीशन, क्योंकि देखो हम कोई भी चीज पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे तो हमें, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक को फिक्स किया हुआ है, तो हमको सारे पॉइंट देखने पड़ेंगे कि क्या वो वैलिड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा? अगर वैलिड हो रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर एक भी कॉन्फ्लिक्ट करें तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर टेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, करके बताइए इसको। चलिए देखिए क्या बोला है कि 8 पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी वर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ठीक है, तो भैया सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेंगे, सबसे प्यारा। ठीक, एक ए बना दिया। फोर ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर एंड फेसेस आउटसाइड द सेंटर। आउटसाइड द सेंटर मतलब ये लोग ने इस तरीके से देखा है जो कॉर्नर पे बैठे हैं, और बाकी के 4 लोग बैठे हैं मिडल में और देखे कहाँ है, इनसाइड की ओर। बस जल्दी से हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगने का, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन है। ओनली 1 पर्सन सेट बिटवीन यू एंड पी। हम नहीं अभी स्टार्ट कर सकते यहाँ से, देखो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। यू एंड पी, एस इट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएट राइट में मेरा एस आना चाहिए, मतलब वी और एस एक साथ होंगे कहीं एडजेसेंट में होंगे, बट इनमें से कोई भी जो है किसका नेबर नहीं होना चाहिए, पी का नेबर नहीं होना चाहिए और ये ना तो यू का होना चाहिए। ठीक है, हम नहीं करेंगे। क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, W sits second to the left of R and both of them sit at the corner of the table. मेरे को यहीं से स्टार्ट करना है भाई, सिंपल सा फंडा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन मिल गई। Q sits second to the right of S, W sits second to the left of R and both of them sit at the corner of the table. अगर R ये है तो लेफ्ट तो ये जाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड, तो W ये हो जाएगा, हो जाएगा। R is not immediate neighbor of S, ठीक है। टी नाइदर सिट्स इन द मिडल साइड ऑफ द टेबल नॉर सिट्स अपोजिट टू आर, मतलब समझो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो। देखो टी यहां नहीं होगा क्योंकि टी के अपोजिट, आर के अपोजिट में चाहिए, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां। टी के लिए एक ही लोकेशन बची, ये वाली, और कुछ तो बचा ही नहीं ना मेरे हाथ में, और कुछ तो बचा ही नहीं, और नेम लिख नहीं सकते, टी मेरा फिक्स हो गया। यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, समझना, जब यू नेबर नहीं है टी का तो कहां जाएगा यू, ये भी पहचानने वाली बात है कि यू यहां नहीं हो सकता, यू यहां नहीं हो सकता, समझना यहां पे कहां कहां यू नहीं हो सकता, और यू यहां पे भी नहीं हो सकता। रीजन, यू एक का गैप देखिए पी, एक का गैप देखिए पी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्योंकि 1 पर्सन है यू और पी के बीच में, हमने पहली लाइन पढ़ी थी, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड पी। तो यू देखो यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, अब किधर होगा ये चीज समझो। अब यहां पे देखो, अगर मैंने यू को यहां लिखा होता तो 1 गैप देखे पी यहां था, 1 का गैप देखे पी यहां था, आता तो यहां से मेरे को 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं। बट अगर मैंने यू यहां लिखा, ठीक है, 1 का गैप देखे पी मैंने यहां लिखा, मान लो यहां लिखा पी, यही करेंगे ना, यू 1 का गैप पी। अभी मैंने आप ही को अभी तो यही बताया था कि वी और एस कंजुगेटिव में होंगे, पर इस तरीके से, पर इस तरीके से कि वी के इमीडिएट राइट में एस। अगर वी यहां सोचे होते तो वी का इमीडिएट राइट एस ये होता, नहीं पॉसिबल था। अगर वी यहां सोचे होते तो इसका इमीडिएट राइट ये होता, समझ रहे हो बात को, तो वो भी तो नहीं हो सकता था। और हम वी यहां नहीं लिख सकते कभी भी, क्योंकि वी और एस तो एडजेसेंट में, ना तो यहां जगह है ना तो यहां जगह, इसका मतलब यू मेरा यहां नहीं होगा। यू मेरा किधर होगा? यू मेरा ये हो जाएगा, यू मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने अब पी को यहां लिखा, अगर मैंने पी को यहां लिखा, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि ये वाली बात कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 1 का गैप देके पी को यहां लिख दूंगा, ठीक है, पी को यहां लिख दूंगा, क्योंकि देखो क्या बोला था कि एस इट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी एंड नाइदर ऑफ देम से इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड पी, तो यू यहां है पी यहां, अब कोई बात नहीं। अब देखो क्या बातें निकल के आएंगी, अब देखो यहां पे, अब आप चाहो तो 2 डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूं, तो क्लियर कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये देखो अभी मैं दिखाता हूं कि कहां से कि क्या बात हुई है, ये देखो। अब मेरा जो आएगा वी के इमीडिएट राइट में एस, अगर मैंने वी को यहां लिखा तो इमीडिएट राइट एस ये हो जाएगा, और अगर मैंने वी यहां लिखा तो ये एस हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझको सिर्फ यहां पे, कि जो बोला था कि यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो हमने नहीं किया ना, यू कहां लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला, एक एक लाइन और है, एस इट्स एंड नाइदर ऑफ देम इट्स इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड पी, ये भी सही। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, अब क्यू बच रहा है, क्यू या तो ये होगा या तो यही आएगा, ठीक है ना। यहां पे देखा जाए
एस के सेकंड राइट में ही क्यू आ रहा है, जो कि मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर यहां देखा जाए तो ये नहीं हो रहा है, ये इमीडिएट में आ रहा है, तो ये वाली तो गलत हो गया मेरा केस, मतलब मेरा ये वाला का डायग्राम सही। कितना मिनट लगना चाहिए? 2 मिनट लगना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस पी, पी को फेस क्या हो गया? एस कर रहा है, तो ये हो गया। इसका मुझे कमेंट करके बताओ आंसर जल्दी से, ठीक है? कमेंट करो, ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 8 का भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर। तो हर एक स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा ना यहाँ पे, इन दोनों को, सबको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका डे बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है कि 6 पर्संस हैं जो कि हैज वीकेंड ऑन 7 डिफरेंट डेज, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? संडे से लेके सैटरडे, तो हमने जल्दी से लेके संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करके सैटरडे पूरा लिख दिया, बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, बहुत ध्यान से करना। यहाँ पे थोड़ी सी एक दो लाइन ट्रिकी है, डी हैज वीकेंड आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद डी, तो अब डी यहाँ हो सकता था, या तो डी यहाँ हो सकता था, या तो डी यहाँ हो सकता था, क्लियर है? आगे देखो, 2 पर्सन हैज वीकेंड बिटवीन ई एंड एफ। अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे 6 पर्सन है, एक दिन कुछ ऐसा है जिस दिन छुट्टी होगी, जो एक दिन ऐसा है जिस दिन छुट्टी होगी। अब यहां पे सुनो, कह रहा है 2 पर्सन है ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में 2 पर्सन है, याद रखना, यही पर्सन और डेज का अंतर है यहां पे, बस थोड़ा सा। एफ हैज वीकेंड ऑन आफ्टर सी, मतलब एफ हैज वीकेंड आफ्टर सी, आफ्टर सी, सी के बाद होगा कहीं ना कहीं मेरा एफ। सी हैज वीकेंड ऑन 2 डेज आफ्टर बी, मतलब बी के बाद ही सी होगा, पर 2 डेज आफ्टर मतलब एक गैप, कितना गैप? तो एक होगा ना, गैप तो एक होगा ना। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर बी इज सेम एज आफ्टर ए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ई डज नॉट हैव वीकेंड बिफोर बी, अच्छा ये कह रहे हैं कि बी से पहले ई नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब बी के कहीं ना कहीं बाद ही ई होगा, तुरंत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एक दिन का गैप हो, तुरंत भी हो सकता है। वेडनेसडे इज नॉट वैकेंट सी, अच्छा सी यहां नहीं आ सकता, बस ये समझ लो। अब देखो कि यहां से शुरुआत करते हैं, मान लो मैंने बी को यहां लिखा, तो सी को यहां लिखोगे, लेकिन बी से पहले कोई नहीं, तो ए यहां होना चाहिए, ए के बाद कोई नहीं, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा भाई। बी को यहां रखोगे, ए का गैप देके सी यहां आएगा, पर सी वेडनेसडे को नहीं होता, ये भी केस गलत हो जाएगा भाई। बी को यहां रखोगे, ए का गैप देके सी लिखोगे, बी से पहले दो लोग, तो एक दो का गैप दे के, सॉरी क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन हैज वीकेंड ऑन बिफोर बी इज सेम एज आफ्टर बी, नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है यहां पे, डेज की नहीं बात हो रही, नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है। तो देखो, क्या पता इस दिन कोई ऐसा हो कि बी से पहले कोई एक दिन छुट्टी हो, तो पहले हमको इसको एंड तक जाना पड़ेगा, इसको लेके एंड तक जाना, यहां पे हम केस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, पर चीज ये ध्यान देना। अच्छा बताया गया था कि ई और एफ के बीच में 2 पर्सन है, तो अब बी के बाद ही ई कहीं आना है, ये देखो इसके बाद, तो अगर हमने ई यहां लिखा, तो 1 पर्सन 2 पर्सन यहां होगा, एफ नहीं आ सकता, 1 पर्सन 2 पर्सन यहां कोई ना कोई होगा, यहां एफ आएगा, यहां तो छुट्टी किस दिन हुई? इस दिन छुट्टी हुई, छुट्टी इस दिन हुई, लेकिन बात ये फंस रही है यहां पे, एफ और ई के बीच में 2 पर्सन तो आने थे, मैंने कर दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फर्क ये पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि बी से पहले कितने पर्सन थे, नंबर ऑफ पर्सन, तो बी से नंबर ऑफ पर्सन तो 2 लोग थे, तो ए के बाद भी 2 लोग होंगे, ए के बाद भी 2 लोग, मतलब ए ही बच रहा था आपका यहां आने का, तो आपने ए को यहां लिखा, ए के बाद 2 लोग थोड़ी ना हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं, तो मतलब मेरा ये केस गलत जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ? यहां पे वीकेंड, यहीं पे तो एक कंसेप्ट था, यहां पे यही तो एक लॉजिक था कि नंबर ऑफ पर्सन की बात करता, ना कि नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा था, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते इस दिन छुट्टी होगी, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अच्छा मेरा एफ और ई के बीच में तुम्हारे 2 लोग आने थे, तो मैंने ये चेक किया कि ई यहां रखनी, यहां रख सकते हैं क्या? तो ई को यहां लिखे मान लो, तो 1 पर्सन 2 पर्सन करके एटलीस्ट यहां एफ आता, नहीं लिख सकते थे, तो ये वाला केस तो मेरा रिजेक्ट हो गया ना, मैं इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करा रहा हूं। बात में समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि मैं बताना क्या चाहता हूं, यहां पे नंबर ऑफ पर्सन हैज वीकेंड ऑन बिफोर बी इज सेम एज आफ्टर ए हो सकता है, और एक दिन छुट्टी भी है, तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला केस मेरा गलत है। अच्छा अब बी मैंने यहां लिखा, एक दिन का गैप देके, एक दिन का गैप देके सी आ जाएगा, क्योंकि यहां डेज बोला है, पर्सन नहीं बोला, एक दिन का बोला है, तो सी यहां आ जाएगा। ओके बी से पहले कोई भी पर्सन नहीं है, तो ए यहां आ जाएगा। ये सब चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सब चीज, अच्छा
सी के बाद ही एफ होना है, ये याद रखना है। तो एफ या तो यहां होगा या तो एफ यहां होगा। अगर मान लो एफ यहां होता है तो 1% 2% का गैप दे के ई यहां आएगा। बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसे तो सर आपका बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, अब जो बच रही है छुट्टी, किस दिन छुट्टी हो रही है, उस दिन तो ये हो रही है कि इस दिन चलो छुट्टी हो रही है, पर ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में बताया था 2 पर्सन होंगे, 2 पर्सन, और यहां ई और एफ के बीच में तो एक ही पर्सन हो रहा है ना, एक दिन तो छुट्टी हो रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा बी ई सी एफ ए बिल्कुल गलत जा रहा था। तो बी यहां रख के देख लिया, बी एक का गैप देके सी हम रख के देखेंगे ही नहीं, गलत बात हो जाएगी। बी एक का गैप देके सी हम यहां रख देंगे। अच्छा, सी के बाद ही एफ आना था, एफ को यहां लिख देंगे, 2% ये हो गए, ई ये हो जाएगा। अच्छा, बी से पहले एक दिन तो छुट्टी होगी, तो एक ही पर्सन कर रहा है ना, बी से पहले एक ही पर्सन कर रहा है ना, ए को तो हम लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि ए के बाद फिर से एक से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे। इसका मतलब मेरा ये वाला भी गलत हो जाएगा, बी मेरा नहीं आएगा। तो अब मेरा बी यहां नहीं आएगा, एक का गैप देख के सी नहीं आएगा, तो हम बी यहां लिखेंगे, एक का गैप देख के सी। पर यार यहां पे एक चीज दिख रहे हो तुम, बी बी अगर यहां लिख दिए तो ई कहीं ना कहीं यहां आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बी से पहले ई तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मेरे पास जो डी की पोजीशन मिली वो ये फिक्स्ड मिल रही है। बस यहां से मैंने देखो, मैंने हर एक चीज बताई है, हर एक कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो मैंने छोड़ दिया हो। अच्छा चलो, आ जाओ बी को स्टार्ट करते हैं। अब हम बी को कहाँ कहाँ रखेंगे, बी को यहाँ लिख सकते थे, चलो हम यहाँ से लिखना शुरू, यहाँ लिख सकते थे, बट हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। बी एक का गैप देके सी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, सी आई नहीं, तो बी यहाँ से रूल आउट, बी एक का गैप सी नहीं आ सकता, तो बी यहाँ। अच्छा, अब बी किधर जाएगा, अब बी यहाँ आएगा, एक का गैप देख के सी यहाँ लिख दो, तो सी के बाद ही एफ आना था, बट एफ के बाद हम 2% का गैप रख के ई को नहीं लिख पाते, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, तो बी यहाँ नहीं आएगा। और बी यहाँ तो वैसे भी नहीं आएगा, डेफिनेटली बी यहाँ आएगा, एक का गैप देख के सी कन्फर्म यहाँ हो जाएगा, बी से पहले कोई पर्सन नहीं तो ए कन्फर्म यहाँ ये हो जाएगा, सी के बाद ही एफ होना था, सी के बाद ही एफ होना था। तो एफ मान लो यहाँ रखा मैंने, ठीक है, एफ मान लो मैंने यहाँ रखा, 1% 2% हम ई नहीं लिख पाएंगे, 1% 2% हम ई नहीं लिख पाएंगे, तो मेरा कन्फर्म पता चल गया कि एफ तो मेरा ये हो जाएगा, कन्फर्म पता चल गया। एफ ये होने का मतलब ये हो जाएगा कि देखो, एफ और ई के बीच में 2% लिखने थे, सी के बाद ही एफ, अच्छा तो ई यहाँ आएगा कि ई यहाँ आएगा, ये भी बात समझना है। अगर मैंने ई को यहाँ रखा तो ई और एफ के बीच में तो एक ही पर्सन आ रहा है ये वाला, और बोला कितना है 2, तो हम ई यहाँ नहीं लिख सकते, कन्फर्म हम ई को यहाँ लिखेंगे, कन्फर्म पता चल जाएगा हमको ई को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब लेकिन ई और एफ के बीच में अगर देखा जाए तो ये इस दिन तो छुट्टी है, पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 है ना, एक ये पर्सन है और एक ये वाला पर्सन, तो ई और एफ के बीच में 2 पर्सन होने, तो वो मैंने सेटिस्फाई करा दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। ठीक है, अब बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ वीकेंड ऑन थर्सडे, थर्सडे वाले दिन आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी। सी हैज वीकेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, सी आपका ट्यूसडे वाले दिन है, ऑप्शन नंबर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज नन हैज वीकेंड, वेडनेसडे वाला है तो नन ऑफ दीज इसमें आंसर आ जाएगा। अच्छा, हाउ मेनी पर्सन हैज वीकेंड बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में ई यहाँ है और ई यहाँ है और ए यहाँ है, तो 1% 2% 3% हो रहे हैं, अब आपके 3% हो रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू, तो हर एक स्टेटमेंट को, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, इस टेबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगर इसी तरीके से सेशन चाहते हो तो जरूर लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों, मॉक टेस्ट परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है तो मुझे मेल कर सकते हो, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।